नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल ई सर्विसेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे SBI क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। SBI क्रेडिट कार्ड यहां पे लाइव अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए SBI क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी वीडियो को ऐसे नहीं करना पड़ेगा, कोई भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे प्री अप्रूव की ऑफर यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिलेगा विदाउट इनकम प्रूफ, विदाउट वेरिफिकेशन, यहाँ पे विदाउट यहाँ पे कोई वीडियो को ऐसी। बस आपके पास यहाँ पे तीन चीज रहना चाहिए, एक तो यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ पे बैंक अकाउंट। ये तीन चीज रहेगा तो आप आसानी से इंस्टेंट अप्रूवल यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, इंस्टेंट यूज भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पे किसी किसी का एक दिक्कत आता है, जिसमें यहाँ पे देखिए अप्लाई करते समय यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है कॉल करेंगे ऐसा यहाँ पे पॉपअप आता है। उसमें देखिए क्या होता है, बहुत से लोगों का यहाँ पे महीनों चले जाता है लेकिन कोई भी कॉल नहीं आता है। कॉल क्यों नहीं आता, इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि आपके एरिया में अगर सर्विस नहीं रहेगी तो यहाँ पे यही आता है, ठीक है। अगर सर्विस है भी तो क्या रहता है कि जो एजेंट रहते हैं वो अवेलेबल नहीं रहते, तो उसके कारण भी ये चीज़ होता है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे मुंबई से यहाँ पे हैं, जब भी अप्लाई करते हैं अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो क्या होता है कि अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि एजेंट जो है एक दो घंटे के अंदर यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं या तो नेक्स्ट डे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, वो बस बायोमेट्रिक यहाँ पे करते हैं। बायोमेट्रिक करने के बाद यहाँ पे हमारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे तीन चार दिनों में जो भी यहाँ पे डिसीजन रहता है वो यहाँ पे पता चल जाता है। लेकिन अगर आपके एरिया में से जो क्रेडिट कार्ड की सर्विस है, चलिए ठीक है तो है, नहीं है तो कॉल नहीं आता है, ठीक है। अगर है भी तभी भी कॉल नहीं आ रहा, तो दिक्कतें ये होती है कि आपके एरिया में यहाँ पे एजेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे आपको लेट यहाँ पे कॉल आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, ये होता है। तो ऐसे में क्या करें, देखिए पेंडिंग ऐसे ना रखें, उसको उस एप्लीकेशन को कैंसिल करें। 45 दिन बाद आप यहाँ पे दोबारा से अप्लाई करेंगे तो आपका चांसेस बनता है कि अप्रूवल हो जाए, क्योंकि आपका जो डेटा है उनके पास पहले से यहाँ पे पहुँच गया है। तो ये चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने पहले भी यहाँ पे लाइव दिया है, कोई वीडियो को ऐसे नहीं, कुछ नहीं, इंस्टेंट अप्रूवल के साथ यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे शो हुआ है, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं। SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखेगा, पहले यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे नीचे दिया गया है पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, यहाँ पे इतना सा ही आपको डिटेल्स देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इतना सब कुछ है तो स्टार्ट अप्लाई जनरली पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। बस इतना तीन ही चीज़ में आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, लेकिन जो बैंक अकाउंट है इनसे लिस्टेड रहेगा तभी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे BPCL क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, SBI BPCL क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उस पर ही आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये सब डिटेल्स देने के बाद चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए तीन ही स्टेप में यहाँ पे पूरा प्रोसेस होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर एक OTP आएगा, OTP को एंटर करना है। OTP को एंटर करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, करंट जो यहाँ पे रेसिडेंस यहाँ पे सिटी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा और हमारा यहाँ पे पेज ले जाएगा नेक्स्ट पेज में, जिसमें आप यहाँ पे आपसे यहाँ पे मदर नेम, ईमेल आईडी और उसके साथ साथ यहाँ पे रेफरल कोड है जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप यूज करते हो तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस आपको यहाँ पे दिया जाएगा, वेलकम यहाँ पे मतलब दिया जाएगा, गिफ्ट वाउचर 500 का अलग से मिलेगा, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हैं, यूज करना है तो। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे भर सकते हैं सैलराइड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है या रिटायर्ड पर्सन है, जो भी है आप यहाँ पे एंटर करिए। सैलराइड अगर सेलेक्ट करते तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे चांसेस रहेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपके कंपनी का नेम और आप यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है वो सब यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ पे देते हैं सैलराइड, सेल्फ एम्प्लॉय, जो भी आप यहाँ पे देते हैं वो यहाँ पे करके आगे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय देते हैं तो आपके कंपनी का नाम और यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है आपका यहाँ पे वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सब करके कंटिन्यू क्लिक किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो वर्क यहाँ पे प्लेस है, जो एड्रेस है वो यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे एंटर कर देना, फिर कंटिन्यू थर्ड स्टेप पे आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है।
थर्ड स्टेप पे जाते ही यहाँ पे देखिए आपसे डिजी लॉकर से यहाँ पे केवाईसी करना पड़ेगा। डिजी लॉकर से केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक करना है, फिर आधार कार्ड यहाँ पे जो है नंबर एंटर करना है और कैप्चर एंटर करना है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना सब एंटर करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आपका जो कार्ड है उससे लिंक आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा और आपको यहाँ पे देखिए 6 डिजिट का यहाँ पे पिन मांगा जाएगा, जो डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन है वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे करके आप यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं और फिर रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए याद वगैरह है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिक्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, इतना सब यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ बटन पे क्लिक कर देना। अलाउ करते ही यहाँ पे देखिए हमारा तो यहाँ पे जो डेटा है यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, सही है नहीं सही है वो सब यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखिए आगे का प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, जो करंट एड्रेस है आधार कार्ड पे वो आ जाएगा। एड्रेस सही है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू एंड कन्फर्म पे क्लिक कर देना। इसके बाद ही आपका यहाँ पे पता चलेगा एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए यही सबसे बड़ा दिक्कत है जो यहाँ पे आ रहा है। डियर ओम प्रकाश, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, योर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया गया। वी आर रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू प्रोसीड योर एप्लीकेशन। पहला तो ये ऑप्शन हो गया जिसमें आपको यहाँ पे ले जाएगा ओल्ड प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, जो पुराना प्रोसेस है वो करने के लिए आएगा। एक दूसरा ऑप्शन आता है यही सेम, जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, यहाँ पे बोला जाता है कि हम आपसे जल्द से जल्द यहाँ पे कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब में देखिए कोई भी आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इनकम प्रूफ मांगा भी जा रहा है तो आपके पास यहाँ पे देखिए एक क्रेडिट कार्ड तो कोई रहना चाहिए, कोई भी एक क्रेडिट कार्ड रहे। पहली बात, यहाँ पे जब भी आप SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें या फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड अप्लाई करें तो कभी भी आपके पास यहाँ पे एक FD क्रेडिट कार्ड रहना चाहिए जो 6 महीना पुराना रहना चाहिए, तो आपसे इनकम प्रूफ मांगा ही नहीं जाएगा। दूसरा, अगर इनकम प्रूफ मांगा जाता है तो आपके पास अगर कार्ड है तो आप यहाँ पे बोलिए कार्ड टू कार्ड अप्लाई प्रोसेस करना, बस हो गया, इनकम प्रूफ नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें अभी आगे भी प्रोसेस करना है, तो हम यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखते हैं क्या प्रोसेस मांगा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो पुराना वेबसाइट था, जो पुराना प्रोसेस था उस पर ले जाएगा और उसमें पर्सनल डिटेल्स जैसे फादर नेम, क्वालिफिकेशन, अल्टरनेट क्रेडिट कार्ड नंबर अगर आपके पास है, और उसके बाद यहाँ पे मदर नेम, उस सब यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो यहाँ पे एड्रेस है वही है, सही है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या है, NRI है, फॉरेन है, रेसिडेंस जो भी है यहाँ पे वो डालिए, कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं वो सब यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे आप जो मेलिंग एड्रेस है कौन सा एड्रेस है वो सब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, फ़ोन नंबर आपसे पूछा जाएगा, अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। एनुअल इनकम आपसे पूछा जाएगा कि आपका एनुअल इनकम कितना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 3 लाख मिनिमम है। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी एनुअल इनकम है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये भी एक एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है एक एरर आ रहा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना सब होने के बाद भी अगर एरर आ रहा है तो आपसे यहाँ पे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, और कॉन्टैक्ट 100% किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके एरिया में सर्विस रहेगा तो कॉन्टैक्ट किया जाएगा, अगर आपके एरिया में सर्विस है फिर भी नहीं कॉन्टैक्ट किया जा रहा है तो समझ लीजिए आपके एरिया में एजेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत से जगह एजेंट नहीं रहते जिसके कारण आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है। क्योंकि प्रोसेस यहाँ पे होगा तो आपका यहाँ पे देखिए बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, बिना बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत जन का ये भी दिक्कत होता है कि मतलब आधार KYC होने के बावजूद भी यहाँ पे जो डेटा है नहीं ले पाता है तो वो बायोमेट्रिक किया जाता है, ऐसा भी यहाँ पे देखा गया है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे बायोमेट्रिक प्रोसेस किया जाता है, बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है तब आपसे यहाँ पे मतलब कि वो पेंडिंग में ही पड़े रहता है। अगर ऐसा है 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो जाता है फिर भी यहाँ पे कॉल नहीं आता है, पेंडिंग में ही पड़ा है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन, तो सबसे बेस्ट है भाई कॉल करिए, कैंसिल कराइए एप्लीकेशन, 45 से 60 दिन यहाँ पे रुकिए और दोबारा से अप्लाई करिए, आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल होने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है उनके पास यहाँ पे पहले से ही पहुँच गया है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे अप्रूवल होने के चांसेस बन जाते हैं। मैंने अपने भाई का भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था तो फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे देखिए
अप्लाई किया था तो अप्रूव हुआ था, भले से यहाँ पे कम लिमिट मिला, लेकिन उस कार्ड के अप्रूवल के बाद मुझे यहाँ पे देखिए ICICI का 50,000, HDFC मिला यहाँ पे 40,000 का लिमिट मिला, और भी यहाँ पे देखिए आप कार्ड अप्लाई करेंगे तो देखा जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ यहाँ पे बताया। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आई बटन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। कुछ भी डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।